हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो एक ह्यूमन है, मानव है, उसकी इंसानी हकूक के लिए ये चीज़ें जो लाई गई थी सन 1948 में, 10 दिसंबर सन 1948 को इंटरनेशनल लॉ एक बनाया गया कि सभी देशों में जो है एक शांति स्थापित करने के लिए, शांति के उद्देश्य से ये चीज़ें लाई गई, जो बेटर प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन स्टैंडर्ड लाइफ, एक महिला के लिए, एक मानव के लिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए ये कानून आया, जो सन 1948 ईस्वी में आया कि कोई भी मानव है उसकी एक गरिमा है, अगर उसको फ्रीडम स्पीच दे दिया जाए, यानी बोलने का अधिकार दे दिया जाए, उसके कहीं पर ड्यूटी भी है, कहीं पर आने जाने का स्वतंत्रता है, तो कहीं पर उसको रोका भी जा सकता है। जो किसी भी राष्ट्र है, प्राइवेसी उसके कानून की प्राथमिकता दी जाएगी, बस वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन ना करे। जैसे फंडामेंटल राइट में आता है कि सबसे बड़ा मुख आता है कि जैसे हम लोगों में आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में जात पात के नाम पे, रेस प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी को जात पात के नाम पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए, फ्री इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी लॉ बनाना चाहिए। इस तरीके से जो है ये रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी माना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा सभी चीज़ें एक ही बात पर डिबेट करती हैं, जो 1872 में कानून बना था कंटेक्ट लॉ सेक्शन 25 में, विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई कंटेक्ट करते हैं तो वो जो है वाइड हो जाता है, तो विदाउट कंसिडरेशन या कोई भी काम तो करेगा ही नहीं, उसको पैसा चाहिए। अब काम करा लिया गया, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, या उसको जो है किसी भी तरीके से उसको एक टॉर्चर किया जाए, तो अगर किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा या उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, वो परेशान हो जाता है आदमी, कहाँ पर जाएगा। उसके लिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से कन्वेंशन हुए, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रिफ्यूजी लॉ आया, फिर इंटरनेशनल प्रिजन ऑफ वार आया, जो इंटरनेशनल वार होते हैं उनके लिए भी जनरल असेंबली के द्वारा जो है कानून लाए गए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए। सबका एक ही मकसद है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जाए, कि जो है शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, लोग अपने लाइफ एंड लिबर्टी की तरह रहें। जैसे इसमें धारा 3 में कहा गया है कि लाइफ एंड लिबर्टी, और धारा 2 में डिस्क्रिमिनेशन, और धारा 1 में ऑल बॉर्न एंड फ्री इक्वल राइट। कोई भी व्यक्ति एक माँ के गर्भ से लेकर मौत के गड्ढे तक उसको एक कानून दिए गए हैं, अगर वो फ्रेंडली तरीके फ्री तरीके से रहता है तो उसको बस अपने ड्यूटी को फॉलो करते हुए अपने फ्रेंडली तरीके से ये जो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। किसी भी राष्ट्र में कोई भी जो है किसी ह्यूमन राइट के खिलाफ कोई भी चीज़ होती है तो या उसको प्रताड़ित किया जाता है, या प्राण दैहिक स्वतंत्रता पर उसे मारा काटा जाता है, या उसको जीने नहीं दिया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट में जाके हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और अपनी बातों को एक मानव होने के नाते अपनी बातों को पूरा करवा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कानून आए, ये कानून बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड कोविनेंट। ये दोस्तों 16 दिसंबर 1966 को ये आया, फिर उसके बाद 3 जनवरी 1976 को ये फिर दोबारा किया गया, ये कन्वेंशन की गई। ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सभी देशों का ये यूनियन बना हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये यूनियन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक यूनियन बना है जो मानव को गरिमा को बनाने के लिए, जैसे उसको राइट टू वर्क, राइट टू फ्रेंडली वर्क, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ राइट, राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। ये इस तरीके से जो है हर एक देश को रेगुलेट करने के लिए जो है कानून लाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत ही फ्रेंडली तरीके से कार्य किया जाता है, जो है किसी भी राष्ट्र में किसी भी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। कोई किसी व्यक्ति की सैलरी रोक दी जाती है, 5-5, 6-6 महीने लोगों की सैलरी नहीं दी जाती है, उनको पता ही नहीं रहता कि कहाँ हम अपनी बातों को रखें।
आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये UDHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए जो संस्था बनाई गई है उसको आप पता करिए, फिर उसके बाद आप अपनी बातों को रख सकते हैं दोस्तों। और मानव गरिमा को स्थापित करने के लिए जैसे एक आता है कि लाइफ एंड लिबर्टी, क्या अगर लाइफ एंड लिबर्टी शान से जीने का अधिकार है तो उसके कहीं पर ड्यूटी भी दी गई है। हमारे भारतवर्ष में भी जो नेशनल ह्यूमन राइट बनाई गई हैं, स्टेट ह्यूमन राइट बनाई गई हैं, सभी अलग अलग राज्य जो जितने हैं वो स्टेट ह्यूमन राइट भी बनाई गई हैं। और जो है ये राष्ट्रीय लेवल पर जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 में बनाया गया था। ये ह्यूमन राइट के जो है कोई भी अगेंस्ट जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमको जो है रेगुलेट करती हैं, हमको जो है सुविधाएँ प्रदान करती हैं। ये जो एक मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए, लाइफ एंड लिबर्टी के लिए और जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के लिए जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं कि जो इन इंडिया कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो इन ब्रांच में हम जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को मना कर सकते हैं। दोस्तों जो जो मैंने बताया आर्टिकल, जितनी भी आर्टिकल बताए जो हम इंटरनेशनल लेवल लॉ को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक संवैधानिक विधि होती है। कोई भी राष्ट्र है और उसमें संवैधानिक विधि अगर होती है तो उसको आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया, फिर उसके बाद कभी कभी धारा रहता है। आर्टिकल और धारा में अंतर यही है कि संवैधानिक विधि होती है तो वो आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा, कंटेक्ट लॉ पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, कारखाना अधिनियम पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें जो है जितने भी आते हैं वो धारा के सेक्शन के लिखे जाते हैं। धारा हिंदी में धारा कहा जाता है। जैसे IPC है 302 है, 308 है, 378 है, तो 376 है, तो ये सब जो है धारा कहे जाएंगी, और जो जिसको इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है। और ये कोई संवैधानिक विधि हो तो इसको आर्टिकल कहा जाएगा। संवैधानिक विधि जैसे हम इंटरनेशनल लॉ पे जितनी भी संवैधानिक विधियाँ हम बनाई जाती हैं वो आर्टिकल के नाम से जानी जाती है। किसी भी देश में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको आर्टिकल के नाम से जाना जाएगा।